हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज एग्जिट पोल का रिजल्ट भी हमारा सामने है। मैक्सिमम एग्जिट पोल का रिजल्ट हमें क्या दिखा रहा है ये भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे बता चुका हूँ। और उसका देखते हुए आज सुबह जैसे ही गिफ्ट निफ्टी ओपन हुआ तो गिफ्ट निफ्टी अभी नियर अबाउट 700 पॉइंट पॉजिटिव ओपन होके चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन पे आग में घी या आग में पानी क्या डालेंगे आप? चलो पूरा वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बात को। ओके, तो अट्रैक्टिव डे मंडे एंड ट्यूसडे। आज तो एग्जिट पोल का रोल रिजल्ट आया है और कल यानी कि ट्यूसडे को एक्चुअल रिजल्ट सामने आना बाकी है। ऐसे सिचुएशन पे आज का दिन पे क्या आप हाई प्रीमियम दे के बाइंग करोगे या कुछ और सोल्यूशन है आपके पास? चलिए फटाफट जाके देखते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ और मैं मिड कैप निफ्टी का चार्ट ओपन किया हूँ। क्यों? क्योंकि निफ्टी कहाँ पे ओपन होने जा रहा है दोस्त? निफ्टी 23,000 से भी ऊपर यानी 3,200 के आसपास भी हमें दिखाई देने के लिए मिल सकता है। तो लाइफ टाइम हाई तो ब्रेक कर ही चुका है। ओके, और बैंक निफ्टी की बात करें तो आप बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप उतावला मत होइए। बहुत ट्रेडर्स होता है, रुका नहीं जाता है। पेशेंस बहुत जरूरी है दोस्त, रुकना पड़ेगा आपको। ओके, रुकना पड़ेगा। ओके, रुक के आप देखिए मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट पागल जैसे भाग रहा है, भागने दो दोस्त। आज एक दिन का मार्केट नहीं है, मार्केट बहुत दिन चलेंगे। हमारा जीवन खत्म हो जाएगा बट मार्केट खत्म नहीं होगा, हमेशा ये बोलता हूँ, समझने का कोशिश कीजिए। ओके, तो बैंक निफ्टी के ऊपर अगर एक एनालिसिस करें हम तो ये एक सिचुएशन जा रहा है कि मार्केट देखो 50,000 के ऊपर अगर अगर ओपन हुआ तो यहाँ से 50,700 तक का एक रैली। ओके, अगर पॉजिटिव स्टेबल हुआ, अदरवाइज अगर प्रॉफिट बुकिंग आया तो 49,500 हमारे लिए सबसे अच्छा मौका और सबसे अच्छा ट्रेडिंग कहाँ पे मिलेगा, ध्यान से देखिएगा वीडियोस को। ओके, देखो यहाँ पे ना आप ये देखो FISDIS डेटा मैं पिछले दिन दिखाई दिया था, एग्जिट पोल से रिजल्ट आया है। FISDIS के डेटा जो है पिछले दिन ये पॉजिटिव था। ओके, बट इससे पहले जो काफी दिन से सेलअप दिख रहे थे हमें FIS के ऊपर। बट फ्राइडे का वीडियोस में मैं क्या बोला था, मैं ये बताया था कि दिखने को हर रोज सेलअप कर रहे हैं बट लॉन्ग बिल्डअप कर रहे थे FIS। ओके, यानी कि इसका क्लियर एक सिग्नल क्या है कि FISDIS जो है वो मार्केट आगे टाइम पे मतलब ये जो ट्यूसडे है इससे भी बाद का टाइम पे मार्केट को और बुल रन अप देख रहे हैं। क्लियर, यही मैं फ्राइडे के सेशन पे बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखे था तो देख सकते हो। ओके, अब देखो ग्लोबल मार्केट से क्या सिग्नल है एंड क्या सीनरीज है हमारे सामने, वो भी हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे अभी, जस्ट वन मिनट। ओके, तो ये सामने मेरा आ गया है ग्लोबल मार्केट का रिपोर्ट। तो ग्लोबल मार्केट का रिपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है? इतने ऐड आता है ना इस मनी कंट्रोल में, क्या बताऊँ सर आपको। ओके, तो जस्ट हो सकता है सुबह सुबह आप बहुत बिजी हो, वीडियो देख नहीं पा रहे हो। तो आज के दिन का सबसे खास सोल्यूशन क्या होगा आपके लिए? देखो यहाँ पे 760 पॉइंट जा चुका है गिफ्ट निफ्टी जो है, अभी 700 नियर अबाउट 600 पॉइंट के ऊपर तो ओपन हुआ था गिफ्ट निफ्टी। ओके, और अभी 760, बाकी ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव है, क्योंकि मैं बहुत बार बताया हूँ इंडिया अभी बाकी मार्केट को देख के नहीं चलता, इंडिया अपना से चलता है। ओके, तो देखो अभी मिड कैप निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में तो बहुत ज्यादा हाई प्रीमियम होगा, अब कितने पॉइंट ऊपर जाओगे? 1000 पॉइंट ऊपर। पहले तो 700 पॉइंट ऊपर ओपन हो ही रहा है, इससे भी आप 1000 पॉइंट ऊपर जाओगे ट्रेड करने के लिए, मुझे लगता है रिस्क हो जाता है। तो ये दो दिन ना बहुत वोलेटाइल रहेगा, मिला के देख लेना, पूरा पैसा मत लगे मार्केट में, ठीक है? वेट कीजिए, ये नहीं कि आज मैं 1,00,000 लगाऊं और मैं 3,00,000 रुपए लेके बाहर आ जाऊं, हो सकता है, नहीं बोल रहा हूं जो नहीं होगा। ओके, बट कभी भी आपसे धोखा हो जाता है, आपको डर भी लगेगा ना, 1,00,000 रुपए है आपको बस, अगर 50,000 माइनस हो गया डर लगेगा ना, और माइनस होगा ही होगा। ओके, बट ये जो वोलेटाइल मार्केट है इसमें क्या होगा, देखो हमारा एक सोल्यूशन क्या है कि आप मिड कैप निफ्टी में चले जाइए, आज एक्सपायरी है, और इसका एक लोएस्ट प्रीमियम पे काम कीजिए। ओके, बट ये प्रीमियम बढ़ेगा कि नहीं, देखो हमेशा क्या होता है एक्सपायरी डे में दूर का स्ट्राइक प्राइस, अभी जिस तरीके से मार्केट वोलेटाइल है
इस वोलेटाइल सिचुएशन पे हमें दूर का जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी आपको लक्ष्मण रेखा से ऊपर ही रहेगा। अब मैं टेलीग्राम चैनल पे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं बहुत क्लियरली बताऊंगा कि मिड कैप निफ्टी का कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे मेरा ध्यान रहेगा। ओके, तो बने रहिए सर्किट ट्रेडर्स टेलीग्राम चैनल पे, बट फेक चैनल से जुड़िए मत, जहाँ पे मेरा वीडियो पोस्ट होता है वही हमारा एक्चुअली प्लेटफॉर्म है। ओके, तो मार्केट का सिनारीज एंड जिन लोग इन्वेस्टर हो उन लोग क्या करना चाहेंगे, मैं टेलीग्राम चैनल पे फ्राइडे का सेशन पे आपको अदानी का दोनों स्टॉक दिया था। फ्राइडे में 10% 8% 6% प्रॉफिट दे चुका है। ओके, अदानी एंटरप्राइज एंड अदानी पोर्ट, मुझे लगता है वही दो स्टॉक और अदानी ग्रुप का बाकी स्टॉक बहुत अच्छे चलने वाले हैं। ओके, तो इतनी गैप अप मार्केट ओपन हो रहा है, बी केयरफुल, सावधान रहिए। ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट बहुत दूर भाग रहा है, बहुत दूर पे ही है। ओके, तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए संभाल के ट्रेड कीजिए। स्टॉप लॉस अगर लगाओगे स्टॉप लॉस खाएगा, ठीक है, अगर आप छोटा स्टॉप लॉस लगाओगे वो भी खाएगा, बड़ा स्टॉप लॉस लगाओगे वो भी खाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे आप देखो 23,000 के ऊपर सबसे ज़्यादा बिल्डअप हो रहा था, उसके बाद 23,500 और उसके बाद 24,000 के ऊपर। पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में इतनी ज़्यादा बिल्डअप नहीं हो रहा था। ओके, इतनी ज़्यादा बिल्डअप नहीं है जितनी कॉल साइड में बिल्डअप है। तो डर तो आपको बना हुआ है, कहीं ना कहीं डर आपको बना हुआ है, ठीक है सर। तो इसे मद्देनजर रखते हुए मार्केट में रहना, संभाल के रहना, हो सके अगर सेफ ट्रेडर्स हो आप दो चार दिन रुक जाओ मार्केट को स्टेबल आने दो, उसके बाद ही अपडेट करो। जो सेफ ट्रेडर, रिस्क ट्रेडर्स कभी भी आ सकता है मार्केट में, रिस्क के आगे डर के आगे जीत है ना। तो वही हुआ है जो फ्राइडे के दिन पे रिस्क लेके कॉल साइड में, क्योंकि यहाँ पे पुट साइड में रहने का तो जगह है नहीं। ओके, जो फ्राइडे का सेशन था, जो थर्सडे का सेशन था, मार्केट गिर रहा था, बट वो आपको दिखा रहा था मार्केट गिरा हुआ है, और यही चीज का डिस्कस कर रहा था कि मार्केट जितने गिरेगा ना उतनी फोर्स के साथ मार्केट ऊपर आने वाला है, क्योंकि ये पूरा देश का जनता का मानना था कि इस बार फिर से एक बार मोदी सरकार। ओके, मैं देखिए किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट जो एक्चुअली हो रहा है, दिख रहा है, तो उसे बोलने में कोई एतराज नहीं है। ओके, चलिए गाइस, तो मार्केट आपको निराश नहीं करेगा, बट बी केयरफुल। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।